साहब, तो तलंगम की फॉर द डॉग्स ईपी के तीन में से दो गाने हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो आज थर्ड गाने को सुन के फिलहाल फाइनली ईपी को पूरी तरीके से सुन लिया जाए। इस गाने में कोई कोलाब नहीं दिख रहा है, लेकिन उमर भाई की वीट क्या बात है। उमर भाई एंड तलंगम तो बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं आज कल, तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी शॉट्स फायर्ड में क्या है, ऐसा लग रहा है नाम सुन के जैसे डिसमिस हो सकता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि अगर होता तो आप लोग अभी तो मेरे को डंडा कर चुके होते। ले आओ तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी शॉट्स फायर्ड में क्या है, तो बड़े हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। Oh yes, so 3, 2, 1, here we go. मेरे पास लिरिक्स है गाने के, ठीक है? ये पंजाबी गा रहे थे ना, जो भी था ये पंजाबी सैंपल था। कौन सा गाना है ये, किसी को पता है? मेरे सर्कल में है विनर्स एंड वे टू टाइट, बिग डॉग थिंग्स एंड माय डॉग्स डू बाइट, इंडस्ट्री दोस्त नहीं है, ओनली गॉट ट्रू टाइज, मुझसे भिड़ना हराम है cuz इट्स सुसाइड, मैं प्रॉमिसिंग माय पॉप। व्हाट, एक सेकंड, सेकंड और थर्ड बार तो मुझे बहुत बढ़िया लगे थे, बिग डॉग थिंग्स एंड माय डॉग्स टू बाइट, इंडस्ट्री दोस्त नहीं है, ओनली गॉट ट्रू टाइज, ये तो मुझे बहुत बढ़िया लगे थे, लेकिन इसके बाद मुझसे भिड़ना हराम है cuz इट्स सु, इसके आगे वर्ड नहीं बोलते हैं ना, यूट्यूब को ये सब शब्द पसंद नहीं है, लेकिन आई थिंक इस्लाम धर्म में इस चीज की आजादी नहीं है, तो मुझसे भिड़ना हराम है, क्योंकि अगर तुम मुझसे भिड़ोगे तो उसका हश्र वही होना, अंत वही होना, तुम्हें पता है कि उसका अंत क्या है, है ना? तो डैम भाई, बहुत बढ़िया बार, बहुत हैवी बार। True ties, मुझसे भिड़ना हराम है cuz it's suicide, मैं promising, मैं popular, मैं prodigy, तू कर जो मैंने किया उसका आधा भी। देखो मैं तो तुम्हें सही बता रहा यार, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज पे किल्सेंगे, बट अंजुम मेरे को तो प्रोडिजी वाली फीलिंग देता है, ठीक है? मुझे ऐसी फीलिंग आती है दैट दिस गाय इज सबसे अलग राइटर, मुझे ऐसा महसूस होता है। भैया बाकियों का पता नहीं, अब इस पे भी गाली बढ़ जाए तो क्या, बट मुझे प्रॉडिजी यू फीलिंग आती है इस बंदे में। प्रॉमिसिंग मैं पॉपुलर मैं प्रॉडिजी, तू कर जो मैंने किया उसका आधा भी, हम ले ले तेरी एंड आई डोंट मीन सॉडमी, सीधा बंदा मेरा प्रोनाउन आदमी। इस गाने मुझे फील हो रहा है कि बहुत बार से ड्रॉप करने वाले हैं, जो मैंने अपने लास्ट वाले में कहा था कि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि अब रैपर्स ने ना, जो रैपर्स बहुत पॉपुलर हो गए, उन्होंने सडनली बार्स के ऊपर, मतलब हैवी हार्ड कोर बार्स 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 के ऊपर ध्यान देना थोड़ा बंद कर दिया है, लेकिन इस गाने में तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। इस गाने को सुनकर तो लग रहा है कि अंजुम इज ऑल फोकस्ड ऑन जस्ट शार्प बार्स। ले तेरी एंड आई डोंट मीन सॉडमी, मैं सीधा बंदा मेरा प्रोनाउन आदमी, इफ यू ओव इट टू मी बॉय यू बेटर रन इट टू मी, कंपटीशन जोक नहीं है बट इट्स फनी टू मी, इधर असली है सब और तू इधर का नहीं, रैपर गाले बांटे स्ट्रीम्स कॉल इट ब्लड मनी। ओह माय गॉड, रैपर गाले बांटे स्ट्रीम्स कॉल इट ब्लड मनी, ठीक है? मेरा पैसा म्यूजिक से आता है, इसका पैसा म्यूजिक से आता है, लेकिन जो जो करके मैं आया हूँ, रैपर्स गाड़े काटे बांटे है ना, वो सब चीजों की वजह से यू कैन कॉल इट ब्लड मनी। इतनी मिकदार में छापू लगे ड्रग, रैपर गाड़े बांटे स्ट्रीम्स कॉल इट ब्लड मनी, इतनी मिकदार में छापू लगे ड्रग मनी, मिकदार का मतलब नहीं बताऊ, मेरा फ्लो सीधे मौत राजा राजधानी। Damn, क्या बात है, सीधे मौत को शाउट आउट देते हुए ये बोल दिया गया है कि दिल्ली के राजा राजधानी के राजा सीधे मौत है। I got no patience in me, सबर आजमाने, मैं लिखूं जहाज में मेरे बार सारे आसमानी रन। क्या दो चीजों को मिलाया है यहाँ पे, मेरे बार आसमानी है और मैं लिखता जहाज में, मैं इतना ट्रैवल करता रहता हूँ, आई एम जस्ट सो बिजी गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो वैसे भी मेरे बार तो आसमान टेक्निकली तो आसमान ही हो रहे हैं। सबर आजमाने, मैं लिखूं जहाज में मेरे बार सारे आसमानी, रनिंग इट फॉर टू लॉन्ग एंड आई एम नॉट टायर्ड, गैंग मूव करे होते सारे साइड, हाइप देखो व्हेन आई स्टेप आउटसाइड, इफ यू फकिंग विद दिस शिट इज गोना बी नॉट नाइस, शॉट्स फायर्ड शॉट्स फायर्ड शॉट्स फायर्ड शॉट्स फायर्ड शॉट्स फायर्ड shots fired, if you fucking with the shit it's gonna be not nice, damn Qatar Karachi jo bhi, bahut badhiya part tha yaar, shots fired hai na, aur uske beech mein jo basically sound effects aa rahe the gun ke, bahut badhiya match kar rahe the, and you know what, there's something with the hook, जो वाले हुक होते हैं ना जिसमें एक ही वर्ड रिपीट होता रहता है, सबको पता है, अब तो सबको ये पता है, पहले शायद तो फिर भी डाउट था, लेकिन सबको पता है कि वो वाले हुक बहुत सही साउंड करते हैं और क्रिंज भी हो सकते हैं क्योंकि वही वर्ड बार बार कितनी बार, लेकिन अगर कोई बढ़िया से उसको मेलोडी में बना दे तो भाई बहुत अच्छे साउंड करते हैं, एंड द केस इस गाने में वही केस है। Shots fired, if you fucking with the shit it's gonna be not nice,
कटर कराची जो भी है अब 109 है ब्रो, अब नहीं पूछते ये जाके तलहा कौन है ब्रो। I've been running it for damn damn पूछा तो था, देखो भाई नेदी भाई ने तो अभी पूछा था, इसी बात ना करो, देखो जस्ट अभी पूछा था। 109 है ब्रो, अब नहीं पूछते ये जाके तलहा कौन है ब्रो। I've been running it for too long like a marathon, जैसे हैमिल्टन बिन ऑन द माइक 200 टाइम्स। सब करते हैं पर नहीं कर सकते सब इस तरह, कटर कराची जैसे गर्दन पे चल जाए उस तरह। Call me Mr. Murder ना, क्या फ्लो चला है यार, तरह कटर कराची जैसे गर 200 टाइम्स। सब करते हैं पर नहीं कर सकते सब इस तरह, कटर कराची जैसे गर्दन पे चल जाए उस तरह। Call me Mr. Murder ना, कहो Mr. तलहा तेरी बात। मिस्टर तला अंजुम, ये तो मैं बोलता हूँ मिस्टर अंजुम, अच्छा नहीं मैं मिस्टर अंजुम बोलता हूँ, मुझे लगा कि मेरी बातों को ध्यान तो सुन रहे क्या मिस्टर अंजुम, है ना, तो गाने में भी डाल दिया क्या मिस्टर अंजुम, डू यू वॉच माय वीडियोस, आई एम श्योर यू विल नॉट रिप्लाई टू दिस। चल जाए उस तरह, कॉल मी मिस्टर मर्डर ना, कहो मिस्टर तला तेरी बात दब जाए मेरा इतना दब दबा। सर्कल में विनर्स है, सर्कल में मेरे किलर्स भी, सर्कल में आई लव दिस लाइन, तेरी बात दब जाए मेरा इतना दब दबा, जाए मेरा इतना दब दबा। सर्कल में विनर्स है, सर्कल में मेरे किलर्स भी, सर्कल में लौंडे रहते आर्म्ड वे टू हेवीली। सर्कल अराउंड गली ना के गवा इस कला के, हम रोस्ट कर रहे रैपर्स भी सीख पे लगा के। डैम 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 डैम, क्या मस्त लाइन है, हम रोस्ट कर रहे रैपर्स बीप सीख पे लगा के, ठीक है तुम्हारी जो बीफ है ना, हम रोस्ट कर देंगे तुम्हें अगर तुम ये करने आओगे। गली ना के गवाह इस कला के, हम रोस्ट कर रहे रैपर्स बीफ सीख पे लगा के। हसल रुकती नहीं, आता नहीं इंटरलूड, इंटरनेशनली नोन, देता नहीं इंटरव्यूज। क्यों मुझे नहीं पता ये इंटरव्यू क्यों नहीं देते, आर यू टू शाय फॉर द इंटरव्यू, क्यों नहीं देते हो भाई। पहले तो आई थिंक फिर भी थोड़े बहुत इनके इंटरव्यूज इन दिस दैट पड़े हुए, बट क्यों इतने गायब क्यों है ये तला, यंग सनर्स गायब है ना, डिवाइन गायब है, ये जो इस कैडर के आर्टिस्ट हैं ये गायब क्यों रहते हैं। एमीबे कोई इंटरव्यू नहीं देता, अब सब गुस्से हो जाएंगे कि मैंने यंगस्टर्स को एमीबे से कंपेयर कर दिया, मैं तो करूंगा ब्रो, ठीक है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द स्टेटस, इट इज देयर भाई, अब तुम लड़ो, तुम लिरिकल नहीं है पिरिकल नहीं है तो अपना लड़ते रहो, लेकिन भाई ए कैटेगरी के आर्टिस्ट में एमीबे यंगस्टर्स ये सब आते हैं, ठीक है। अब लड़ो लड़ो, मेरी एंगेजमेंट बढ़ाओ, कमेंट में लग जाओ। 7 डेज इन द स्टूडियो, आई एम इन द लूप, इतने गाने लिखूं नहीं इंटरव्यूज, रुकती नहीं, आता नहीं इंटरलूड, internationally known, देता नहीं interviews, 7 days in the studio, I'm in the loop, इतने गाने लिखूं, लगता है I am a crew, running it for too long, लगता है I'm a crew, मतलब इतने गाने लिख रहा हूं ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला आदमी नहीं हूं, and I'm not tired, gang move करे होते सारे side, hype देखो when I step outside, if you're fucking with this shit it's gonna be not nice, shots fired, shots fired, shots fired, shots fired, ये जो गन्स की आवाज आ रही है बहुत बढ़िया साउंड है। Shots fired, shots fired, shots fired, shots fired, shots fired. If you fucking with the shit, it's gonna be not nice. ये ईपी की बढ़िया चीज ये लगी, तीनों गाने हार्डकोर टाइप के थे, ठीक है। लाइक जो दूसरी वाली ईपी है, मैंने अभी तक आई थिंक उसके दो गाने सुने हैं, मैंने वो तो फिर भी थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली है, थोड़ी वैसे वाले मूड की जा रही है, लेकिन ये वाली ईपी हार्डकोर। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि तला अंजुम जो अपने दोनों इमेज को मेंटेन करते हुए चल रहे कि देखो अगर मैं ऐसे गाने ड्रॉप कर रहा हूं तो ऐसे भी कर रहा हूं, मेरे को लेवल ना करता कि भाई मैं खाली प्यार मोहब्बत के गाने ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं अभी भी अपना वो हार्डकोर अंडरग्राउंड वो जितने भी अंडर हैं वो सब मैंने लगा के गाने बना रहा हूँ। तो या इट वाज अ नाइस सॉन्ग, व्हाट एल्स कैन आई से, मजा आया मेरे को, स्पेशली हुक बढ़िया था, कुछ कुछ बार बहुत अच्छी थी, वो हराम वाली बार अच्छी थी, एंड दबदबा है ना वो बहुत बढ़िया थी, इस तरह उस तरह है ना वाला पार्ट बहुत कैची लगा मेरे को। एंड या तुम लोग गाना कैसा लगा, कैसा ही लगा कमेंट्स होता है, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो कर लो आईडी का नाम है। एक चीज़ और क्योंकि तुम तला अंजुम के फैंस हो तो एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम को एक बार चेकआउट जरूर करना, मैं वहाँ पे ऐसे गाने रिकमेंड कर रहा हूँ ना कि तुम्हारे कानों की खुजली मिटाएंगे, ठीक है। तो इफ़ यू आर इन टू लिरिकल हिप हॉप, इफ लाइक गुड फकिंग सॉन्ग्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, गाने मज़ा ना आए तो यहाँ पे भी अनसब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे भी अनफॉलो कर देना, ठीक है। चलो बाय, पीस।